ने किया क्या हसी सितम, तुम रहे न तुम हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हसी सितम, तुम रहे न तुम हम रहे न हम, वक्त ने किया बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया क्या हसी सितम, तुम रहे न तुम हम रहे न हम, वक्त ने किया। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, बेकरार दिल उस तरह मिले जिस तरह कभी। क्या थे गुरुदत्त, क्या थी वहीदा रहमान, क्या थे देवानंद, कहां गए वो स्क्रीन के मोमेंट्स, बेहतरीन मोमेंट्स ऑफ गोल्डन एरा, अब क्यों नहीं बनते हैं ऐसे, कोई पहल नहीं करता। चलिए जानते हैं रहस्यों को। कैफी आजमी के बोल थे, एस डी बर्मन के संगीत, आवाज थी मेरी सुदिजीत सिन्हा ब्लॉगर की और ब्यूल टाइम चैनल। जी हाँ, जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। चलिए मिलते हैं सॉन्ग के उस पार। ब्लॉगर वियोन टाइम वेलकम्स यू दोस्तों। आज एक और दिलचस्प घटना हम लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए इसके बारे में बताते हैं। ये फिल्म कागज के फूल के शूटिंग के दौरान हुई थी। फिल्म कागज के फूल के शूटिंग के दौरान गुरुदत्त एक परफेक्ट शॉट के लिए जाने जाते थे। गुरुदत्त वॉज अ परफेक्शनिस्ट। देवानंद एंड गुरुदत्त जो एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त भी थे, दोनों ही बहुत परफेक्शन की तरफ जाते थे। मैंने देवानंद की कहानी बताई थी, अब गुरुदत्त की कहानी लिए चलते हैं आपको साथ में। तो वो परफेक्ट शॉट्स के लिए लिए जाने जाते थे और वो चाहते थे कि हर सीन बिल्कुल परफेक्ट हो, एक्चुअल पिक्चरेस्क। और उनकी जो एस्थेटिक सेंस थी बहुत गजब की थी। इवन सत्यजीत रे जैसे हमने फिल्मकार ने उनको बहुत सराहा था। तो एक बार सेट पर
एक सीन के लिए गुरुदत्त और वहीदा रहमान के बीच एक इमोशनल सीन करना था, फिल्माया जा रहा था। सीन में वहीदा रहमान को गुरुदत्त के किरदार से दूर जाते हुए दिखाना था और दोनों के बीच एक दर्द भरी विदाई का क्षण था। गुरुदत्त ने सीन के लिए पूरी सेटिंग तैयार कर ली थी, लाइटिंग, कैमरा एंगल सब कुछ परफेक्ट था। उनके लाइटिंग्स तो बिल्कुल हिंदुस्तान ने सीखा है, उनकी गोल्डन एरा में गुरुदत्त की लाइटिंग से हिंदुस्तान के फिल्मकारों ने सीखा है। बिल्कुल कैमरा एंगल एंड लाइटिंग परफेक्ट थी, लेकिन जब शूटिंग शुरू हुई तो वहीदा रहमान के चेहरे पर वो इमोशन नहीं आ पा रहे थे जो गुरुदत्त चाहते थे। कई ट्रैक के बाद भी ये सीन परफेक्ट नहीं बन पा रहा था। गुरुदत्त ने शूटिंग रोकी और वहीदा रहमान के पास जाकर उनसे कहा, वहीदा इस सीन में तुम्हें अपने अंदर के दर्द को दिखाना है। सोचो कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से विदा ले रही हो जिससे बहुत प्यार करती हो। वहीदा ने गुरुदत्त की बात सुनी और कुछ देर खुद को शांत किया, सोचने लगी बैठे बैठे कि कैसे इसको इमोटिंग आउट कैसे करेंगे, इमोटिंग इन साइलेंस। इसके बाद जब उन्होंने सीन किया तो वो भावुकता और दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई दिया जो गुरुदत्त चाहते थे। सीन इतना वास्तविक और इमोशनल बन गया कि सेट पर मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। वक्त ने किया क्या हंसी सितम। इस सीन को फिल्म में शामिल किया गया और यह आज भी कागज के फूल के सबसे यादगार दृश्यों में से एक माना जाता है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि गुरुदत्त और वहीदा रहमान के बीच कितनी गहरी समझ और पेशेवर समर्पण था। वहीदा रहमान और गुरुदत्त के बीच का यह इमोशनल सीन कागज के फूल में बहुत महत्वपूर्ण है। यह सीन उस वक्त फिल्माया जा रहा था जब फिल्म का नायक, जो गुरुदत्त ने निभाया है खुद, अपनी नायिका से विदा ले रहा है। यह सीन के मध्य भाग में आता है जब नायिका यानी वहीदा रहमान अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए नायक से अलग हो जाती है। इस सीन की शूटिंग के लिए एक स्टूडियो में की गई थी जहां गुरुदत्त ने सेट को बहुत ही वास्तविक और इमोशनल बना दिया था। इस सीन में लाइटिंग और कैमरा का खास तो ध्यान रखा ही था ताकि दर्शकों और दर्द और विदाई का यह एहसास गुरुदत्त करवा सके दर्शकों को। सीन की शुरुआत होती है जब नायिका नायक के पास आती है और कहती है कि उसे आगे बढ़ना है और नायक से विदा लेना है। गुरुदत्त जो नायक का किरदार निभा रहे थे, और बहुत अफवाहें थी, बहुत चर्चाएं थी इनके बीच की, गुरुदत्त का एक बहुत ही खिंचाव था वहीदा जी की तरफ। ये काफी चर्चाएं हैं, इसमें तथ्य क्या है, रियलिटी क्या है बताना बहुत मुश्किल था है, लेकिन इमोशनली अगर सीन्स को देखें तो लगता है कुछ जरूर बात होगी। हम रहे न हम, वक्त ने किया जाएंगे कहां, सोचता नहीं चल पड़े मगर रास्ता नहीं। जाएंगे कहां, सोचता नहीं चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं।
गुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम हम रहे न हम वक्त ने किया क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम हम रहे न हम वक्त ने किया। हालांकि यह सिर्फ अफवाहें हैं और सत्यता को लेकर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। देवानंद और वहीदा के संबंध पेशेवर थे, प्रोफेशनल, लेकिन उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो थी वो दर्शकों को बहुत प्रभावित करती थी। देवानंद ने कई बार कहा है कि वहीदा जी के साथ काम करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही हमेशा एक सुखद अनुभव मिलता था उनके साथ काम करने के लिए। दोनों की बहुत एस्थेटिक्स बहुत अच्छी थी, बहुत एस्थेटिक सेंस अच्छे थे, फोटोजेनिसिटी अच्छी थी और डायरेक्टर ने उनसे काम भी लिए उनकी तरह। गुरुदत्त, देवानंद और वहीदा ये तीनों ही एक अलग और एक नूतन जी और एक नरगिस जी, इन पांचों गोल्डन एरा के समझो कि अद्भुत और लेजेंड्स थे। तो इन जानकारियों के साथ हमारा व्लॉग खत्म होता है। आपको शायद अच्छा लगे और कोई टॉपिक है कुछ बताइएगा। आज तक हमने क्या बियॉन्ड टाइम स्टूडियो में, बॉलीवुड स्टूडियो में पेश किया? एस डी वर्मन को एक कॉन्सर्ट, डिजिटल कॉन्सर्ट, ग्लोबली जो सिंगर्स थे उन्होंने हमारे साथ कॉन्सर्ट दिए थे, खयाम साहब को दिए थे, एक से एक डिस्टिंग्विश्ड सिंगर्स ने, आर डी वर्मन का भी वैसा ही कॉन्सर्ट हुआ था, और एस डी वर्मन, आर डी वर्मन, खयाम साहब और मदन मोहन साहब और बाकी सारे लेजेंड्स के भी हम देने वाले हैं। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हमने किए हैं। आप जितनी गहराई में जाइएगा बियॉन्ड टाइम में उतना गोल्ड माइन आपको लगेगा। तो बने रहिए, आपकी वजह से मेरे लाइक्स, मेरे सब्सक्रिप्शंस बढ़ रहे हैं। आपके ब्लॉगिंग में थोड़ी सी कमेंट्स की कमी है। यूके से उस दिन लिखा था, एक पॉइंट आउट किया था एक सज्जन ने, बिल्कुल सही, गलती से स्लिप अप टंग से मेरा कल्याण जी, आनंद जी के जगह पे एस डी वर्मन की म्यूजिक मैंने भूल दिया था एक गीत में, उसमें जॉनी मेरा नाम उस फिल्म में, तो उसमें कल्याण जी, आनंद जी का म्यूजिक था, उसके लिए क्षमा करें। वो देवानंद के ऊपर था वो व्लॉग हमारा, देवानंद और वहीदा रहमान और गाइड और वो गांव का दृश्य, गांव पे 7 दिन उनका गुजारना। तो एक से एक स्टोरीज हम लेकर आएंगे आपके पास, खोज खोज कर ऑथेंटिक स्टोरीज। आप बने रहिए हमारे साथ।